दादा हीरा सिंह मरकाम जी के, दादा हीरा सिंह मरकाम जी के जो सपनों को साकार करने वाला बेटा विधानसभा जाएगा और पूछेगा कि पांचवा अनुसूची का क्या हुआ, पैसा और कानून का क्या हुआ। आप लोग चिल्लाते हैं, उनके मंत्री लोग चिल्लाते हैं, सभा में बोलते हैं कि ना विधानसभा ना लोकसभा ना राज्यसभा, सबसे बड़ा ग्राम सभा। साथियों, अभी मेरा विशेष दौरा हो रहा है रायगढ़ जिला का। रायगढ़ जिला में अडानी ग्रुप का वहां कमान है। अडानी ग्रुप ने बिना ग्राम सभा के अनुमोदन के बगैर सरकार वहां लीज में दे दिया गया जमीन को, और वहां से 52 से 53 पंचायत जो है हट रही है। साथियों, जिनके लिए हम लोगों ने योजना बनाया, योजना बनाने के बाद हम लोगों ने विधानसभा के विधायक को घेरने का काम किया, चक्रधर सिधार जी को। और इलेक्ट्रॉनिक मीडियम के माध्यम से आप लोगों को अवगत होगा, जो विधायक आपके क्षेत्र में काम कर रही नहीं कर रही है, चाहे वो कांग्रेस की हो चाहे भारतीय जनता पार्टी की हो, हमको ना हमारी नौकर है, मालिक हम है। और मालिक को पूछने का अधिकार है नौकर को कि काम हुआ कि नहीं हुआ, आपको काम देने का है। आप काम करवाने के लिए विधायक को घेराव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, भाई मुट्ठी बांध कर ऊपर लगाए, करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। यहाँ के कौन विधायक है यार? ममता चंद्राकर जी। अगर आज के एजेंडे में हम लोग ज्ञापन देंगे, ज्ञापन के माध्यम से मैं अनुभागीय अधिकारी एलजीएम साहब को मंच के माध्यम से अवगत कराना चाहता हूँ, 15 दिन के भीतर अगर कार्यक्रम नहीं होगा, हमारे मांग पूरी नहीं होगी, तो गोंडवाना गठबंधन पार्टी, युवा मोर्चा, पूरे प्रदेश के कार्यकर्ता, विधायक का घर का घेराव होगा। इस मंच के माध्यम से हम चेतावनी दे रहे हैं। और पुलिस प्रशासन से मेरा भी गुजारिश निवेदन अनुभागीय अधिकारी महोदय से, आप भी सुन लीजिए, यह तमाम तरीके से जो आदिवासियों के साथ शोषण अन्याय हो रही है, उनके खिलाफ आप लोगों ने कोई FIR दर्ज नहीं करते हैं। आदिवासी को उल्टा पांव से थाने से भगा दिया जाता है, यह शिकायत है पंडरिया और आपके कवर्धा जिले का। तो मैं आपको भी इस मंच के माध्यम से चेतावनी देता हूं कि जिस दिन हमारा घेराव होगा, तो निवेदन है आप कम पुलिस में रहे या ज्यादा पुलिस वाले आप बुलवा के रखिएगा, क्योंकि उस दिन आंदोलन जो होगा पूरे छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ, इस यहाँ बाहरी लोगों को घुसने नहीं देंगे, पूरे छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता आएगा। आज तो सिर्फ कवर पंडरिया के लोग ही है, आज जो मंच में दिख रही है पंडरिया लोगों के आसपास के लोग कार्यकर्ता के है। पूछो, जिस दिन छत्तीसगढ़ के कार्यकर्ता का यहाँ आगमन होगा, तो आपको पुलिस को व्यवस्था भी आपको बढ़ाना पड़ेगा, पूरे छत्तीसगढ़ के थाने को खाली कर करके पंडरिया में लाना पड़ेगा। और उस मंच से छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल को भी चेतावनी देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ में जो आदिवासियों के साथ अन्याय शोषण होने जा रहा है, आओ अपने छत्तीसगढ़ में आदिवासियों को बेवकूफ बनाने का काम मत कीजिए। आदिवासियों की बदौलत आपकी सरकार टिकी हुई है, और सरकार आदिवासी की बदौलत आपकी सरकार बनी है, तो आदिवासियों को बेवकूफ इतना मत समझिए, आप छोड़ दीजिए। अगर शासन नहीं करना चाहते तो आपका ही भाई लगा हुआ है TSC देव, आने वाला समय में आपने कुर्सी का खेल कर रहे हैं। अरे तो शासन छत्तीसगढ़ का शासन नहीं चला पा रहा है साथियों, कुर्सी की दौड़ में भाई भाई लड़ रहा है, पार्टी पार्टी से लड़ रहा है, तो हमारी क्या रक्षा और क्या सुरक्षा कर पाएगा ये सरकार? आज का पेपर देखिए, TSC में फिर से 2 दर्जन विधायक को उठा करके दिल्ली चली गई है। यहाँ की जनता के मिलने के लिए जनता के काम से फुर्सत नहीं है, उनको कुर्सी की फुर्सत है, कुर्सी में बैठने की इच्छा है। जनता यहां मर रहे हैं, और यहां मेरी सरकार बन जाओ मैं बन जाओ ऐसे में लगे हैं, तो ऐसे लोग नकारा सरकार की जरूरत नहीं है। और आम जनता को भी इसमें चेतावनी देना चाहता हूं कि 2023 की जो सरकार बनेगी,
साथियों मैं बता देना चाहता हूं इस मंच में, और मन में मत रहिएगा, जो प्रशासन के कर्मचारी बैठे हैं उनको भी मैं अवगत करा देना चाहता हूं कि आपकी जो वेतन है कोई सरकार नहीं दे रहा। जमीन में किसान मजदूर दुकानदार उनके टैक्स से आपको सर्विस आपकी नौकरी का पैसा मिलता है, चाहे पुलिस विभाग हो चाहे आप SDM हो, आपके शासन आपके हमारे टैक्स से आपको वेतन मिलता है, कोई सरकार के पास खजाने नहीं है। और उसी जनता से आप ऐसे पेश आते हैं कि जैसे छत्तीसगढ़ के मुखिया आप लोग हैं। तो मैं आपको बता देना चाहता हूं इस मंच के माध्यम से कि हाँ 2023 होगी उसमें साथियों आपको सिर्फ कुछ नहीं करना है, आपको गंडवाना गठबंधन पार्टी का विधायक बनाना है और उसको विधानसभा में भेजा जाएगा। अब ऐसे लोग जाएंगे जो दादा के प्रशिक्षित लोग हैं, ऐसे बेटा जाएगा विधानसभा में साथियों। तो अभी से 2023 का विधायक बनाना चाहते हैं, 2023 के विधायक कितने लोग बनाना चाहते हैं गोंडवाना गठबंधन पार्टी का? भाई सभी लोग बनाना चाहते हैं। तो आपसे मेरा निवेदन है कि आप जो भी है 400-500 वाहन है जो भी लोग हैं 10 लोगों को आप लोग जोड़िए, 5000 हो जाएगा। 5000 10 बनाएंगे तो 50000 हो जाएगा यार। चुनाव जीत हमको पॉम्पलेट की जरूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमारे ही घर में कांग्रेस और भाजपा के लोग बैठ के काम करते हैं, उनके पास नहीं है कोई कैंपेनिंग नहीं है, लेकिन गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के पास दादा का जो फॉर्मूला है, विधायक बनाने का जो फॉर्मूला है उसमें आपको काम करना है, पार्टी का जो सिस्टम है उसमें काम करना है, पार्टी का जो अनुशासन है उसमें काम करना है। तो आप करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं, विधायक बनाना चाहते हैं कि नहीं चाहते हैं? भाई कई लोग ऐसे बता रहे हैं, अरे यहां वैसे ही लोग बैठे हैं भाई, मुट्ठी बांध करके अंगूठे को अंदर करके बताना है दादाजी का जो फॉर्मूला है, ताकि इससे गुस्सा भी मारो तो लोग है ना चला जाए। तो इसलिए साथियों, क्योंकि हमारे बीच इस कार्यक्रम के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हमारे मंच पर विराजमान है, और मैं इसी आशा के साथ अपने वाणी को मैं विराम देता हूं, क्योंकि आप लोगों जो ने कीमती समय निकाल करके यहां पहुंचे हैं, गठबंधन पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं की ओर से आप लोगों को चरणों में सेवा जोहार, इसी आशा के साथ मैं अपनी वाणी विराम देता हूं। सजोर पेंता, बहुत पेंता, दादा हीरा सिंह मरकाम अमर रहे, गठबंधन पार्टी जिंदाबाद।